अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको सर्कल वाली लेस बिल्कुल इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ, खूबसूरती के साथ आपको लगाना सिखाएंगे। ये हमारी सर्कल वाली लेस है और हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या होगा, पीछे से हमारा कपड़ा नज़र आएगा, ठीक है, और ऊपर से सिलाई लगा देंगे तो सर्कल का कच्चापन नज़र आएगा। तो हम इसको बिल्कुल खूबसूरती के साथ अच्छे तरीके से आपको किस तरीके से सर्कल वाली लेस को आप दामन में, स्लीव्स में लगाएं और अपने दुपट्टे के पल्लुओं पर भी लगाएं और पैंचों पे भी। तो हम ये आपको तरीका सिखाएंगे कि इस तरीके से लगाएंगे तो आपका सर्कल से डिज़ाइन भी बन जाएगा बहुत खूबसूरत। हमने पहले अपने चाक तैयार कर लिए, ठीक है, दामन वैसे भी लास्ट में तैयार होता है, तो दामन में जितने सर्कल आएंगे उस हिसाब से मैंने सर्कल की सेटिंग कर ली है, यानी कि जितनी लेस आएगी तो उतनी मैंने इसको लेस को कट कर दिया। और जो धागे निकल रहे हैं साइडों से, ठीक है, ये जो लेसों को जोड़ा हुआ था इन टाँकों ने, इन टाँकों को भी साफ़ कर देंगे क्योंकि ये हमारा बंच लटकता हुआ आएगा, क्योंकि हमने लंबाई भी बढ़ानी है कमीज़ की। और ये लेस पैंचों में भी लगती है, आइसिंग के एंड में भी लगती है और दुपट्टे के पल्लुओं पे और दामन में, और इसका लुक बहुत प्यारा आता है। अब हम सर्कल के हिसाब से ये बुकरम का पीस लिया हुआ है हमने, ठीक है, थोड़ा बड़ा पीस लेंगे। देखें आप, लेस रखी हुई है मैंने, मगर दोनों तरफ से बुकरम को पीस को मैंने थोड़ा थोड़ा निकाला हुआ है। तो आपने ये करना है कि सर्कल का जो आपका शेप है इसी हिसाब से आपने इसका शेप उठाना है बुकरम के ऊपर। मार्कर से उठा लें, पेन से उठा लें, पेंसिल से उठा लें, कोई मसला नहीं है। ये देखें, ये मैंने निशान उठा लिए, अब इसी निशान के ऊपर मैं इसको कट करूँगा। तो ये हम इसकी कटिंग आपको थोड़ी जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं ताकि ये आपका भी कीमती टाइम बचे, और वैसे भी हमने बहुत शॉर्ट वीडियो बनाई है, 5 मिनट की बनाई है वीडियो, और इसके अंदर हमने आपको हर चीज़ एक एक स्टेप बाई स्टेप तफसील के साथ सिखा दी है, यानी कि शॉर्ट से शॉर्ट का टाइम के अंदर हमने आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको वीडियो बना के सिखा दिया है कि आप भी अपने दामन के ऊपर ये लेस किस तरीके से अटैच कर सकते हैं। क्योंकि अगर सर्कल वाली लेस है तो सर्कल की तरीके से ही आप कटिंग करेंगे तो आपका दामन, स्लीव्स, दुपट्टे के पल्लू, पेंट के पैंचे बहुत प्यारे लगेंगे। डायरेक्ट सीधा सीधा लगा देंगे तो उसकी वो खूबसूरती आएगी नहीं, और लेस को ऊपर से लगाएंगे तो लेस का कच्चापन नज़र आएगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। अब ये मैंने प्रिंटेड कपड़े की, क्योंकि पट्टियाँ चाकों पर लगाई हुई थी, दोनों तरफ बढ़ती हुई चाक के अंदर मैंने पट्टियाँ लगाई हुई हैं, ठीक है, और इसी प्रिंटेड कपड़े का मैं काम करूँगा क्योंकि हमारा दुपट्टा जो है प्रिंटेड है, और हमारी पैंट और ये शर्ट प्लेन है। तो अब हम इसको हमने कट चिपका लिया प्रिंटेड कपड़े पे, ठीक है। अब इसको मैं पलटूँगा उल्टी तरफ, उल्टी तरफ पलटने के बाद इसमें हम करेंगे तुरपाई। तो अभी हमारी लग रही है सिलाई, और सिलाई भी देखें कितनी फिनिशिंग के साथ, आसानी के साथ हमने लगा दी। बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे, बुकरम से ऊपर नहीं चढ़ाएंगे सिलाई को, ना बुकरम से दूर लेके जाएंगे, क्योंकि पलटने के बाद फिनिशिंग इसकी आउट हो जाएगी। तो जैसी आपकी बुकरम कटी हुई हो उसी के साथ साथ आपने सिलाई चलानी है, भले आप सिलाई थोड़ी सिलो मशीन चला लें, कोई थोड़ा सा टाइम लग जाए, मगर आप कोशिश करेंगे सिलाई बिल्कुल साथ साथ लगनी चाहिए। और जब ये सर्कल वगैरह में आप सिलाई लगाएं तो टाके को थोड़ा सा छोटा कर लें, क्योंकि इससे कपड़ा जो है नुचता नहीं है, ठीक है। जब हम इसको एक बुट के छोड़ छोड़ के काटते हैं तो बारीक टाँका होता है, तो कपड़े में भी अच्छी मजबूती आ जाती है। तो अब हमें, आपने देख लिया, मैंने इसको प्रेस कर लिया, प्रेस करने के बाद अब मैं तुरपाई कर रहा हूँ, क्योंकि सिलाइयाँ बहुत सारी लगेंगी तो बहुत मज़ा नहीं आएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी, खूबसूरती नहीं आएगी पीस के अंदर, और पीस की जान ख़राब हो जाएगी। तो मैंने ये तुरपाई कर ली, ये सर्कल बन गए। अब इस सर्कल के साथ मैंने ये लेस रख दी, अब मैं इसको कर रहा हूँ सेंटर से स्टार्ट, ताकि एक एक तरफ से स्टार्ट करूँ तो कहीं ऐसा ना हो लास्ट में आने के बाद उधर से लेस छोटी पड़ जाए या बड़ी हो जाए। तो सेंटर से स्टार्ट करने की वजह यह है कि अगर थोड़ी छोटी बड़ी होगी तो हम इसमें नम दे लेंगे, वो तो बराबर आ जाएगी। वैसे तो लेस बिल्कुल बराबर काटी है, मगर फिर भी कोशिश करें कि जब भी ये इस तरीके से चिपकाएं कोई भी चीज़ तो सेंटर से स्टार्ट कर लें, ताकि लास्ट में आने के बाद आपको थोड़ा 19-20 कर सकें एक एक हिसाब से। तो ठीक है, ये देखें, अब मैं दूसरी तरफ भी चिपका दिया मैंने इसको। अब मैं इस पर लपकी सिलाई लगाऊंगा, ये मैंने मशीन में लगाया, लपकी सिलाई लगाना स्टार्ट कर दी है। लपकी सिलाई भी बिल्कुल लप पे लगनी चाहिए, ये नहीं हो कि लपकी सिलाई लग रही है थोड़ी सी और थोड़ी सी बूट की लग रही है, ऐसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। मैंने देखा है अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, लप से बूट की बना देते हैं, बूट से लप के बीच में ले आते हैं, तो वो सिलाइयों में फिर मज़ा नहीं आता, फिनिशिंग नहीं आती, पीस की जान ख़राब हो जाती है। तो अब आपकी इसकी फिनिशिंग खुद देख लेंगे कि बिल्कुल बिल्कुल कंप्यूटर इस ऐसा लगे कि कंप्यूटर मशीन ने काम किया है, हाँ हैंडवर्क है ही नहीं। बनने के बाद सर्कल बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, कटिंग कितनी फिनिशिंग के साथ हुई है, पलटे हुए एक जैसे हैं, और लप सिलाइयाँ भी बिल्कुल एक जैसी लगी हैं।
इस पे लग ही नहीं रहा हमने सिलाई लगाई है, आप देख लें तो रुपाई करिए और कितना खूबसूरत लग रहा है। और स्लीव्स भी मैंने इसी तरीके से बनाई है अपनी, ये सर्कल देखें आप, ये मैं आपको पेंसिल से बना के भी दिखा रहा हूँ कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये जब दामन लटक रहा है ना, इसकी एक अलग ही लुक आ रही है, एक अलग ही जान आ रहा है पीस के अंदर। जब मैंने इसको पीस को सीधा करके लटका के देखा ना, तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, पीस की एक अलग ही जान आ रही है पीस के अंदर। तो ये बिल्कुल नया आपको मैंने सिखा दिया सर्कल वाली लेस किस तरीके से लगेगी। और दो बंच बच गए थे तो मैंने काट के ऊपर भी लगा दिया आइस्टिन के अंदर, और ये हमारी स्लीव्स हो गई। स्लीव्स देखें कितनी प्यारी लग रही है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।